में जाकर और मैं शिकार खेलू। मैं बात ही मानता हूँ, लेकिन शिकार खेलने से पहले भी नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ। चंदी सुंदर सुशीला से मुलाकात ही कीजिएगा, मैं कतर में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। हाँ, तुम्हारा भी कहना जायज है कि मेरी बेटी सुशीला और बेटा शंकर उससे मेरे कहे हुए मैं जंगल गया था। श्री राधे साहब, जो दोनों को शंकर सुशीला को मां मर गई है, जब तक मुलाकात ही कीजिएगा तब तक मैं नहीं जा सकता हूँ। आ किया हो रामा हम तेरे पर पे चिंता फिक्र छोड़ दो, क्यों आंसू बहाते हो? अब आंसू बहाना बेटा बंद कर दो। पिताजी हो मैया बाला शंकर। सारी बात को जाने दो और दोनों भाई बहन मिलकर स्कूल का कार्य करना और पढ़ने में कमी मत करना। ठीक है पिताजी, मैं दोनों भाई बहन समय से स्कूल चले जाऊंगा। अरे पिता तोरा I'm gonna make you mine.
बेटी सुशीला खाना खाते और स्कूल चले जाना ठीक है पिताजी भाई शंकर चलो भाई घर की दासी है उसे खाना मांग के दोनों भाई बहन स्कूल चले जाएंगे मंत्री साहेब सिपाही मलकिनी तो मरी गल मर गई आ नवरिनिया के घर में और ओकरा बोला का पूछे गे हो नरिन को नरिन के पूछबाय ना आ मलकिनी मर गल खे शंकर सुशीला हो नवरिनिया खाना बना के समय से देते कि न देते पहले नवरिन के बोले दे हां उससे पूछे गए नवरिनिया गे नवरिन गे मखनी आया तोरा भूल भूरी छोड़ा दे छे हो चुपचाप काहे बैठलवा हो चुपचाप काहे बैठलवा आखिया झुकाई
छछार गए के छड़ी के पीछे से क्या पहचान थी एक छे से पेन है ना के छड़ी अरे पिला दे रे छछार गए नवरी इरादा साहब जरूर शिकार के बीच में और घर में शंकर सुशीला ही और दोनों शंकर सुशीला के मां मर गई है ये नहीं हो जो तुम टाइम से खाना बना के नहीं दे सकते उसी टाइम से ही खाना बना के देना और टाइम से कमीज को भी देना और माँ वाला प्यार नहीं मैं नहीं बनाऊंगी एकरा छवरी के बियाह भेल है एकरा मेहमान ने सवाद है पूर्णिमा के छवरी के दिन भेल है आई ससुराल चल देते समय से कौन खाना बना के देते ये बात सच है एकरा को हद हो बुढ़वा घर वाली मरिए गेलो अपना कोई व्यवस्था को अपना को बुढ़वा के व्यवस्था कर ला कोई भी मरिए गेले बुढ़वा के अपन ब्याह कर तो समय से देने के करते मर जा हां गरीबी का दिन देखता है ये मेहमान है लो हां बाप रे एक नंबर के मेहमान बना सवाल हमरा से साला लगाई करे हां साला कुपर आती है लोग हमरा से लड़े देने में मजा नहीं है तू हां रे हां चलो मालिक इरा हां 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 बोलो नवरिनिया के पूछियो जे समय से खाइदा के नवरिनिया के कहलियै ये नवरिनिया हमरा मालिक के मलकिनी मोर गेलै समय से खाना बना का हमरा शंकर सुशीला के देबही कि न देबही तो कहते हां देबै हां कुछ पूछे नारी घर में मेरा बेटा अनाथ जिसका नाम एवो का शंकर है और बेटी सुशीला है उसे समय से खाना बनाकर खिलाना नहीं नहीं खाना बनाऊं क्यों बोले मेरे बने बने कर तो क्या ससुराल जाओगी एक बात करो ससुराल अगर जाओगी तो मुझे जंगल से आने दो उसके बाद तू चले जाना हां तोरा कहे से तू जब जंगल में और ये बेचारी के मेहमान है भाई एकरा रखो तोरा कहो ये के बारे में सुनो है कौन किसका भार लेता है गाने से भार तो एकरा मेहमान है ये चल जाते अच्छा एक बात करो तू तो मेरे साथ रहोगे और मंत्री जी भी साथ रहेंगे तो फिर शंकर सुशीला को खाना बनाकर कौन खिलाएगा मैं ससुराल जाऊंगा ये ससुराले चल के हमारा मन है कि मंत्री साहब यहाँ शादी कर लू कोई पहला नहीं रहेगा जी तो शंकर सुशीला को कुछ दिन की दिक्कत ही होना चाहिए वही ना बात है उससे महसूस नहीं होना चाहिए मुझे मां मर गया मैं शादी नहीं करूंगा इसलिए घर का लोग क्या कहेंगे कि बचपन में शंकर और सुशीला को मां को मर जाने के बाद महेंद्र सिंह दूसरा शादी कर लिया हां तब बहुत पे बुढ़वा सके देख लिया है मां की मर जाए तो कुत्ता ने छुछुआई अच्छा जाने दो लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा तुम मेरे साथ जंगल का यात्रा बनाओ शादी ना करवा तो केना मिलेंगे मेहमान के फोन कर क्या तुम्हें विचार है हमरो विचार है के गलती बोलो नहीं सही दादा साहब आप शादी कीजिए ठीक है जय इस तरह की बात है तो जंगल पहले चलिए देने गिर तो शरीर अखनी है जुआनी या बुढ़ारी है तो कौन देखतो पुतो हमेशा देखाई छाई पुतो हमेशा ना देखाई छाई शरीर की तो के देखतो बियाह कर ले वो तो समय से खाना बना कर देखतो कहने कर तो पेट खराब हो तो झाड़ हो जाए ठीक है तुम्हारी बात को मैं मानता हूँ लेकिन मेरे साथ चलने के लिए तैयार होना बोलो चलो यार मेरे साथ हाँ साथ आ किया हो रामा चली भरी जंगल
प्रणाम बाबा होश रहो बच्चा बाबा तोरा लगे वो क्या लगा ना बाबा के लगे वो जब बहुत बेकूफ है क्या लगा लगे वो बाबा ऐसे कहो कि भूली लगाएंगे बाबा ना भूल जाओ चंदन के लकी चुन कर आ बाबा के धूनी लगे वो ऐसे बहुत होशियार हो बच्चा बाबा एगो भक्ति में सुनो सुना क्या ना हमें आबो आबो पहले पिया के रही अरे तू पीता नहीं है चाय पीता है सुन लेगा बात कहानी तारी तारी पीना छोड़ दिए कहिया से सुन ला कब से छोड़ तारी पीना कब से सुन ले छोड़ दिए से पहले छोड़ तू सा सुन ला कहो बैसाखा में पसीनिया की करत रहत बाबा क्या करता था बैसाखा में पसीनिया की करत पहले के जमाना में क्या करता था एक भैया तारी लेते रहे पांच रो बोतल अच्छा एक पौवा चना फुला लेते रहे बैसाखा में आ पांच गो गिलास अच्छा बैसाखा में तो सब जात चढ़े लगे छे तार जे बात तो सही है रोड के साइड में पसीनिया करे ये तारी के दुकान खोल देते रहे ओई मैं बाबा आज तारी के दुकान पसीनिया करे रोड के साइड में तो जेकरा पीहू के मन न रहे अच्छा जेकरा पीहू के मन न रहे और रास्ता धोखा ससुर भैंस सुन जात रहे तो नहीं पीए के मन रहे बेचारा के पास में की कहे चाचा न देखे तेरे यार के चाचा बगैर चाचा के चप्पू नहीं कहे पीहिया का पैसा खा अच्छा चाचा भर पैसा खा पिए के शुरू कर दिल पसीनिया अच्छा भर पैसा खा आ जब डांटी पर आवे छ हां डांटी पर कहे चाचा जाय छ के कनिया तारी हम तक की कहे बाबू सब तार सुन के सब तार सुन के ले पांच छह बोतल तारी होय छ दू तीन बोतल बेचा छ एक बोतल अधिया वाला के छ एक दू बोतल छोरा के पा पिए छ तो पैसा का में पसीनिया बुला बुला के पी बैसे जब डांटी पर आवे छ तो पासी से चूर पर जाए छे पसीनिया से के डांटी धर दे ठीक है क्या कहा था आई के लिए तारी पिनाए छोड़ दे तू छोड़ दिया ने हां गाना सुन ले सुना हो काकुरा पर मजेदा इसी का नाम है भक्ति है भक्ति है ककुरा बड़ा मजेदार हो भाई की ककुरा बड़ा मजेदार हो भाई इसका मतलब क्या है तन्नदी किनार में पिल्ला देखली आथे होना दे लिया राय नदी किनार में पिल्ला देखली थे होना दे लिया राय आ घीच नीर के ऊपर लाली ओकरो पेली बना हमारे संतोष कुमार जी 21 रुपया दिए हैं उन बाबू साहब को सुनीता कंपनी बोर्ड से धन्यवाद नदी किनार में पीला देख ली ठेवना दे लिया राज आ घीच नीर के ऊपर लगे ओकरो देली बना आ थूर थार का चोखा बना दिया आ रोटी पर दे लिए चढ़ाई थूर थार का चोखा बना ली आ रोटी पर दे लिए चढ़ाई तोड़तार का मुंह में रख ली अब मुंह गल लुलुआई की कमला हिलवाते रहे डुलवाते रहे आ जैसे हाथी से धक्का लगले तो ऐसा मरता बाहर
छाती से धक्का है जी, इनसे मर्द हो गया मर्दाना नहीं। ठीक है बहादुर, तो थूर थार का चोखा बने ली, रोटी पर दे ली चढ़ाई, आ तोड़ तार का मुंह में रख ली, मुंह का लुलुआई, आ भोरे उठ ली झारा लागल तो गली आई बहुत सवार। अच्छा ककुरा है खाली है ना, आ भोरे उठ ली झारा लागल तो गली आई बस सवार, आ भोरे उठ ली झारा लागल आ गली बहुत सवार, आ ठेका खोल के झेरा फिरे लेफ्टिंग गया तो वहां से लूज हो गया। हां भोरे के घेरा लगे घेरा खोल दे इसको, सब ककड़ा पीछे उतर दो बहुत बको के बाबा आखरी से कह रहा बाबू बहादुर मैं यही पे धनी रमाता हूं अल्लाह का से कर आखरी से तू धान में रह हमारी पर बैठे छ ये कहो ध्यान में हां ध्यान में ध्यान में हम लोग के लिए बाबा ध्यान में हो बाबा हो इन्हें कला बैठा छो इन्हे बगैर बैठा ये कोना में भतार कोना में बेहूदा उसको भंडार को आप कहता है ऊपर कला भंडार कोना आता भंडार के रहेंगे घूमा हम का बैठे हमारी सैया जी हो हो हमार लो है आहो हमारे के दरबा लगैया आहो वीर जो मर गया Thank you.
हेलो तो हमारी घर यही बिजली बंद जंगल है, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मेरे यहाँ बिजली बंद आगी, बचपन में मेरे माता और पिताजी मरे गए, अब मैं कैसे गुजारा करूंगी?
शिव बाबा के पास, मैं शिव बाबा को पूजा करूंगी। बचपन से मैं पूजा करती आई हूँ और मैं आज भी शिव बाबा को पूजा करूंगी। या मैं कितना दिन कुमार रहूंगी, मैं जाती हूँ बाबा को पूजा करूंगी और बाबा से पूछूंगी कि बाबा मुझे कैसे शादी होगा बता दीजिए बाबा। बाबा बताइए, बाबा
जी मुझे शादी नहीं हो रहा है बाबा। क्या तुम्हें शादी नहीं हो रहा है? तुम्हारे पूजा से मैं बहुत पसंद हूँ। तुम मामा तुम क्या मांगती हो? आहे कैसे बाबा पहला नजर पड़ेगा उसी को तुम पति मानना। क्या बाबा, इस जंगल में मैं तो रहती हूँ, इस सारे जानवर को साथ में रहती हूँ बाबा। मैं आज रात सोऊंगी और सुबह उठना पहला पहला नजर जिस पे पड़ेगा, जो पुरुष पर नजर पड़ेगा वही तुम्हारा पति होगा। क्या बाबा, वही हमारा पति होगा? क्यों नहीं? क्या बाबा, प्रणाम बाबा, खुश रहो बाबा। आहो जुगे जुगे चली जावा, चली आएगी दीदी।
लेकिन एक भी सितार नजर नहीं आया। राजा साहब थोड़ा तो आज चल के